नमस्ते एंड वेलकम टू बोधी भाषा इजी स्पॉन्टेनियस एंड प्रैक्टिकल वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश बोधी भाषा ब्रॉट टू यू बाय बोधी बूस्टर द लिस्ट ऑफ सर्विसेज इज देयर ऑन द स्क्रीन मेक फुल यूज ऑफ देम बोधी भाषा में हम वोकेबलरी ग्रामर रूल्स यूजेज कॉम्प्रिहेंशन जनरल नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स की मदद से बहुत अच्छे से आपको पढ़ाते हैं साथ ही साथ हम ये भी एडवाइस हमेशा देते हैं कि मन का डर निकाल दीजिए किसी भी तरह से अंग्रेजी कठिन नहीं है वक्त के साथ आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे आज हम वोकेबुलरी सेशन करेंगे इस वोकेबुलरी सेशन में ये रहा वो लेख जिसे हमने अलग से बोधी न्यूज बोधी रीडिंग और बोधी अनुवाद में वैसे ही कवर कर लिया है द वर्ल्ड एट अ क्रॉस रोड्स अर्थात एक दौराहे पर खड़ा विश्व आइए अब इसे अच्छे से समझें इसके शब्दों के जरिए as i just said we have covered this as part of our bodhi news analysis bodhi reading and bodhi anuvad now the target is to understand the difficult words to is hetu bodhi bhasha ki notebook taiyar rakhiye और एक एक करके इस तरह से हम बड़े कठिन शब्द जितने भी दिखाई दे रहे हैं सब cover कर लेंगे सैकड़ों शब्द कवर हो जाएंगे बस आप पूरे जोश के साथ सीखना शुरू करें तो मन का डर निकल गया नोटबुक हाथ में आ गई पूरा फोकस और अटेंशन और ध्यान है तो आइए शुरू करें बोधी भाषा वो लेसन आउटलुक पहला शब्द आज का हमारा व्यू पॉइंट ओपिनियन पैनोरामा एंड विजन जब हम आउटलुक की बात करते हैं तो बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं जिनमें से चार सबसे अच्छे हमने लिख दिए हैं इसी तरह से इसी ऑर्डर में आप भी लिखें अब जरा हमें बताएं द वर्ड आउटलुक विल बी वट पार्ट ऑफ स्पीच ये क्या होगा ये वर्ब है एडजेक्टिव है एडवर्ब है क्या है आउटलुक इज अ नाउन ये संज्ञा है और हिंदी में इसका क्या अर्थ होगा दृष्टिकोण जब आप अपना आउटलुक बता रहे हैं यानी अपना दृष्टिकोण बता रहे हैं अपना विचार अपनी सोच बता रहे हैं और एक सेंटेंस क्या होगा इससे वेरी सिंपल आउटलुक फॉर टू थाउजेंड से राधर ग्रिम थोड़ी गंभीर दिख रही है परिस्थिति 2017 में पहला शब्द समझ में आ गया प्रॉमिसिंग पर आई है प्रोमिसिंग के बहुत से अर्थ हो सकते हैं जिनमें से कुछ अच्छे आपके सामने हैं टैलेंटेड गुड ब्राइट प्रपिशियस एबल एप्ट ऐसे बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दंटेक्स तो प्रॉमिसिंग एक नाउन को डिफाइन करने के लिए यूज होगा तो यह विशेषण हो जाएगा इट्स एन एब्जेक्टिव फॉर एग्जाम्पल वॉट अ प्रोमिसिंग यंग पर्सन युवा सेट द बॉस कंपनी के बॉस ने कहा उस युवा से जिसने अभी भी ज्वाइन किया था अरे तुम तो बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति दिख रहे हो सो प्रोमिसिंग इज ऑलवेज यूज इन अ पॉजिटिव सेंस इसका टोन पॉजिटिव है टैलेंटेड गुड ब्राइट प्रोपिशियस बहुत ही अल्ट्रा पॉजिटिव वर्ड एबल एप्ट आशापूर्ण और प्रतिभाशाली ये होंगे इसके हिंदी अर्थ इसका कुछ एंटनिम क्या होगा एक हाथ इसका विलोम शब्द हमें बताइए कमेंट्स में जरूर बताइएगा प्रॉमिसिंग का विलोम क्या होगा इफ समबडी इज नॉट प्रॉमिसिंग सो ही कैन बी डेंजरस वी कैन फील डिस्पॉन्डेंट टूवर्ड्स हिम ही मे बी बेरेफ्ट ऑफ एनी प्रोमिस बताइएगा सेंटेंस भी हमने बना दिया पार्ट ऑफ स्पीच एब्जेक्टिव है अर्थात विशेषण है ये भी बता दिया जियो स्क्रीन पर शब्द दिख रहा है ना एरो निकला हुआ है जियो का अर्थ है भू राजनीतिक अर्थात भूगोल की दृष्टि से राजनीति को समझना या जिस प्रकार भूगोल राजनीति पे प्रभाव डाले पॉलिटिक्स दिन थ्रू द जियोग्राफिकल एंगल भूगोल विश्वगोल है यह कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा नेचुरली व्हेन आई जियो पोलिटिकल रिस्क स्क्रीन पर दिख रही है ना रिस्क नाउन है तो जियो पोलिटिकल हो जाएगा कई लोग चिंता करते हैं हमें क्या करना पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन है एडजेक्टिव है एडवर्ब है अरे होगा भाई बिल्कुल सही है हमें क्या करना कल जब हम सेंटेंस बनाएंगे बेटा और कल जब हम राइटिंग करेंगे कल मतलब आने वाला कल तब वेन यू डू नॉट नो वेदर अ वर्ड इज नाउन और अ प्रोनाउन और एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब एंड यू स्टार्ट यूजिंग इट एंड कंटेक्सट वाइज ऑल्सो द पार्ट ऑफ स्पीच कैन चेंज योर राइटिंग्स एंड योर स्पीच में भी फुल ऑफ टेक्निकल एरर्स और आप हमेशा चिंता करते रहेंगे तरक्की तो नहीं होती जीवन में भाई क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीजें जो बड़ी बोरिंग लगती हैं हमने कभी की ही नहीं तो अभी कर लीजिए तो जियो पोलिटिकल क्या था भाई एज्जेक्टिव है ना यानी विशेषण है तो हमेशा उसके आगे एक नाउन लगाना मत भूलना पॉइसड बड़ा अच्छा शब्द है और बड़ा मजेदार इसका प्रयोग है If I look at poised alone, it is an adjective, visheshan hai, poise, D hata ke kar poise kya hoga, someone who carries a certain poise, when we say he is sure, he is confident, he is very certain, nonchalant, unperturbed, poised. लेकिन जब मैं poised के साथ poised टू डू समथिंग लगा के इडियोमेटिक यूजेज कर देता हूं एक मुहावरे के रूप में प्रयोग करता हूं इडियम मुहावरा पॉइस टू ग्रो तो उसका अर्थ बदल जाता है और वो हो जाता है गोइंग इन दैट डायरेक्शन की ओर अग्रसर पॉइस टू ग्रो तो poised एक ऐसा शब्द है जिसमें बेसिक है पॉइस फिर वो बना poised और पॉइस टू ग्रो में इडियम बन गया एडजेक्टिव और फिर इडियम डिसरप्शन डिसरप्शन डेफिनेटली एक नाउन है संज्ञा है डिसरप्ट इसका वर्ब हो जाएगा क्रिया हो जाएगी डिसरप्टेड क्या होगा बताइएगा हमें कमेंट्स में वेन आई लुक at डिसरप्शन retardation किसी चीज का उल्टी गति से चलना या उल्टी दिशा में चलना Obstruction, बाधा डिसकंटिन्यूएशन यानी असात्य डिसकंटिन्यूएशन सो दैट इज डिसरप्शन डिसरप्ट विल बी द नाउ डिसरप्टेड क्या होगा वो आप हमें बताएंगे हिंदी में क्या इसके अर्थ हो सकते हैं disruption के उथल पुथल दरार दुर्घटना भी हो सकता है विघटन भी हो सकता है टूट जाना तो इतने सारे हिंदी के शब्द हम disruption से ढूंढ के निकाल सकते हैं सेंटेंस बनाए डिस्टर्बशंस से इंडिया इज फेसिंग अ स्टेडी डिसरप्शन ऑन द बॉर्डर्स बाय पाकिस्तानीज और रादर बाय द एग्रेसिव पाकिस्तानी पाकिस्तान स्पोंसर टेररिस्ट एंड द पाकिस्तानी रेंजर्स देमसेल्फ्स इस तरह से एक लंबा भूसामरिक वाक्य हमने बना दिया वाक्य भी डर गया होगा कि मैं भूसामरिक हो गया हूं लिथैलिटी लिथैलिटी इज अ नाउन बिकॉज़ लीथल इज एन एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव को नाउन में ऐसे कन्वर्ट करते हैं लीथल फॉर एग्जाम्पल ए के फोर्टी सेवन इज लीथल वेपन और द लिथैलिटी ऑफ ए के फोर्टी सेवन इज लेजेंडरी तो सेंटेंस का ढांचा बदलता है हमने लेसन की शुरुआत में आपको चेतावनी दी थी कि पार्ट ऑफ स्पीच पता होना चाहिए क्यों पता होना चाहिए ए के फोर्टी सेवन इज अ लीथल वेपन द लिथैलिटी ऑफ ए के फोर्टी सेवन इज लेजेंडरी ऐसे आगे पीछे ढांचा बदल जाता है ठीक है तो लिथल इज एन एडजेक्टिव लिथालिटी इज क्या मतलब है एनी वेपन और एनीथिंग विच हैज द केपेबिलिटी टू बी डेडली वो लिथालिटी हो गया ठीक है जी हिंदी में क्या कहेंगे लिथालिटी को मारक क्षमता समझे मारक क्षमता अग्नि पांच की मारक क्षमता पांच हजार किलोमीटर से अधिक है मारक क्षमता द लिथैलिटी ऑफ अग्नि फाइव विल बी लेजेंडरी वेन इट इज फुल्ली इन ऑपरेशन ओके okay. सारे शब्द इस स्लाइड के क्लियर हो गए आगे चलते हैं भाषा नोटबुक बनाते चलना बेटा लिखने से ही चीजें याद होंगी पेसिमिस्टिक तो पेसिमिस्टिक आया पेसिमिज्म से जो उल्टा है ऑप्टिमिज्म का जिससे बना था ऑप्टिमिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक ऑप्टिमिज्म पेसिमिज्म पेसिमिस्टिक स्पेलिंग्स लिख लेना तभी याद होंगी दस दस बार शब्दों को बोलना निराशावादी कोई भी व्यक्ति निराशावादी होता है तो हम कहते हैं डोंट बी सच अ पेसिमिस्ट और डोंट बी पेसिमिस्टिक डिफीटिस्ट यानी जो हार मान ले ग्लम भयंकर उदास डाउटिंग हमेशा संशय करने वाला नॉट ऑप्टिमिस्टिक आशावादी नहीं यानी निराशावादी वट पार्ट ऑफ स्पीच विल बी पेसिमिस्टिक पेसिमिज्म क्या होगा पेसिमिज्म एक वस्तु है ना संज्ञा नाउन तो so, पेसिमिस्टिक क्या होगा दैट विल बी एन एडजेक्टिव अर्थात विशेषण आई होप दैट्स क्लियर ग्रेट सेंटेंस बनाइए पेसिमिस्टिक से पेसिमिज्म से ऑप्टिमिज्म से ऑप्टिमिस्टिक से चारों से बनाइएगा तब आपको पता चलेगा दैट द मोमेंट अ वर्ड चेंजेस इट्स पार्ट ऑफ स्पीच फॉर्म ऑटोमेटिकली द सेंटेंस हैज टू चेंज द फॉर्म ठीक है प्रिवेलिंग प्रिवेलिंग यानी जो वर्तमान में मौजूदा है

पार्ट ऑफ स्पीच हिंदी अर्थ क्या होगा इसका विद्यमान और वर्तमान आज जो मौजूद है सेंटेंस क्या होगा अभी बताया था आपको प्रिविलिंग आफ्टर डीमोनिटाइजेशन सभी के लिए अनसर्टेंटी अर्थव्यवस्था के लिए है ही और दूसरे पार्टी के राजनेताओं के लिए भी आ गई है वाइडनिंग इनक्वैलिटी इसमें वाइडनिंग को देखेंगे तो एडजेक्टिव है इन को देखेंगे तो नाउन है वाइडनिंग विशेषण हुआ जिसने इनइवालिटी संज्ञा को परिभाषित किया या उसमें एक रंग जोड़ दिया विशेषण का काम ही यही होता रंग जोड़ते रहता बड़ा रंगीन होते हैं ये मिजाज से रैपिडली स्प्रेडिंग अनईक्वलनेस बिकॉज इनइवालिटी यानी असमता अनईक्वलनेस इसीलिए कोर्ट अनकोर्ट में लिखा उसको हमने क्योंकि वो समझाने के लिए लिखा गया है तो आई होप वाइडनिंग इज एन एजेक्टिव एंड इनक्वैलिटी इज तो नाउन इज क्लियर हिंदी अर्थ क्या होगा इसका तेजी से बढ़ती असमता या चौड़ी होती असमता सेंटेंस क्या बनाएंगे इससे द वाइडनिंग इन इक्वालिटी इन द इंडियन सोसाइटी इज अ मैटर ऑफ कंसर्न टू मेनी डिस्पाइट सो मेनी गवर्नमेंट स्कीम्स हैविंग बीन रन फॉर सेवेंटी ईयर्स ठीक है समझ में आ रहा है ना इतना कठिन तो नहीं है वर्सन चीजों को बिगाड़ देना इन्फ्लेम इंटेंसिफाई एग्जैसरबेट बहुत ही बढ़िया शब्द है इन्फ्लेम यानी चिंगारियां भड़का देना इंटेंसिफाई तीव्र कर देना एक्सेसरबेट बिगाड़ देना यह बहुत अच्छा पावरफुल वर्ड है जब भी आपको किसी पे इंप्रेशन जमाना हो तो आप एक्सेसरबेट बोले अगले को तो पल्ले पड़ेगा नहीं और आपकी कॉलर ऊंची हो जाएगी एक्सेसरबेट एक अच्छा सा सेंटेंस बनाया जाए लेकिन उसके पहले पार्ट ऑफ स्पीच समझना पड़ेगा ना वर्सन का इट्स अ वर्ब विल 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 बी 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 अ अ अ वर्ब वर्ब इंटेंसिफाई वर्ब यू शुड नॉट वर्सन द सिचुएशन बाय गिविंग सेंसिटिव स्पीचेस हिंदी अर्थ क्या होगा इसका स्थिति को बदतर करना और बिगाड़ना इस तरह से शब्दों को हमेशा सिनोनिम्स ढूंढिए एंटोनिम्स ढूंढिए वर्सन का एंटोनिम क्या होगा टू इंप्रूव वाइडनिंग का एंटोनिम क्या होगा श्रिंक इनिक्वेलिटी का क्या होगा इक्वेलिटी आई होप दैट्स क्लियर प्रीवेलिंग का क्या होगा एक्सटिंक्ट जो गुजर गया इस तरह से अंग्रेजी को आप अलग अलग एंगल से पकड़ सकते हैं इतना कठिन नहीं होता है स्टेटस को वहां तो शब्द स्टेटस कोइस्ट लिखा है हम स्टेटस को की बात करेंगे स्टेटस को का अर्थ है द एग्जिस्टिंग सिचुएशन मौजूदा स्थिति तो ये नाउन हुआ ना स्टेटस कोइस्ट कौन होगा वो व्यक्ति जो स्टेटस को की तलाश में भटक रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच हो गया नाउन और हिंदी अर्थ क्या होगा आज की स्थिति वर्तमान स्थिति

इंजन मेजर फोर्स ऑफ प्रोग्रेस जब हम बोलते हैं ग्रोथ हम बोलते हैं तरक्की का इंजन टेक्टोनिक तो एक एडजेक्टिव है और टेक्टोनिक शिफ्ट यानी विवर्तनिक परिवर्तन ये पृथ्वी का पूरा ढांचा टेक्टोनिक प्लेट्स पे से बना हुआ है ऊपर की जो क्रस्ट है पपड़ी है दैट इज कॉल्ड द टेक्टोनिक द क्रस्ट अप ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स विवर्तनिक प्लेटों से बना है जब अंग्रेजी भाषा में हम टेक्टोनिक शिफ्ट यूज करते हैं तो हमारा आशय होता है अ वेरी ह्यूज चेंज एक बहुत बड़ा परिवर्तन जैसा धरती में भूगर्भीय रूप से हो रहा हो तो टेक्टोनिक एडजेक्टिव हो जाएगा शिफ्ट नाउन हो जाएगा शिफ्ट तो एक संज्ञा है ना एक चीज हुई है वो और टेक्टोनिक किस प्रारूप में हुई कितने बड़े आकार में हुई कितने बड़े स्वरूप में हुई टेक्टोनिक द टेक्टोनिक शिफ्ट वर्ल्ड बी ब्रॉट अबाउटो स्वचालन और कंप्यूटर परिवर्तन कभी कभी डरा देता है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा शब्द है इंफ्रा यानी जो नीचे हो स्ट्रक्चर यानी ढांचा अर्थात वो ढांचा जो दिखता हर बार नहीं है लेकिन वो एक मूल ढांचा होता है द बेसिक फाउंडेशन ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ समथिंग सो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कूल आ गए कॉलेज आ गए यूनिवर्सिटीज आ गए एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया उसमें रिसर्च पेपर्स भी आ जाएंगे और ये सब जो सोशल मैंने बोला वो भी आ गया रिसर्च का पूरा एक स्ट्रक्चर आ जाएगा संस्थागत रिसर्च आ जाएगी टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटरनेट की केबलें आ जाएंगी 4G नेटवर्क्स आ जाएंगे टावर्स आ जाएंगे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में ब्रिजेज आ जाएंगी सड़कें आ जाएंगी पुल आ जाएंगी वगैरह वगैरह तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है बट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अधोसंरचना ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा इंफ्रास्ट्रक्चर ये बताइए वट विल बी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ पार्ट ऑफ स्पीच नाउन ये एक चीज है ना तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डिफिशियंसी वहां इंफ्रास्ट्रक्चरल क्या हुआ ये ढूंढ के निकालिए और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज़ पर कोई वाक्य बना के कमेंट्स में अवश्य लिखिएगा आई होप आपको समझ में आ रहा है बहुत जटिल जो दिखता है वो इतना जटिल होता नहीं है वी मूव ऑन रे। इतने सारे हो हो घबराइए मत एक एक करके सब हो जाएगा नेशनलिज्म नेशनलिज्म से अर्थ है राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता या कौम परस्ती आपको देश के लिए बड़ी पॉजिटिव फीलिंग्स है नेशनलिस्टिक हो गए आप ये तो हुआ इसका सकारात्मक प्रयोग पेट्रियोटिक फीलिंग लेकिन जब यह हद से बढ़ जाए तो वह जीनोफोबिया शविनिज्म या जिंगोइज्म में तब्दील हो जाता है स्क्रीन पर शब्द लिखे हैं पूरे लिख लीजिएगा जीनोफोबिया विदेशियों का भय या विदेशी विकर्षण शविनिज्म बहुत ज्यादा अंधराष्ट्रीयता जिंगोइज्म अति आक्रामक राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद तो दैट इज नेशनलिज्म नाउन होगा ना ये तो एक वस्तु है नेशनलिज्म एक चीज है भावना है नेशनलिज्म तो इसके सारे मैंने आपको शब्द बता दिए बहुत अच्छे से राष्ट्रवाद राष्ट्रीयता कौम परस्ती अंधभक्ति अंध यूज होगा शोविनिज्म जिंगोइज्म के लिए और जीनोफोबिया ने विदेशियों के प्रति विकर्षण आकर्षण का उल्टा एक्सपोनेंशियल जब आप एक्सपोनेंशियल देखेंगे तो एक्सपोनेंशियल का अर्थ होगा या एक्सपोनेंशियली का अर्थ होगा मोर एंड मोर रैपिडली तो हमेशा ये ग्राफ होता है ना एक्सपोनेंशियली जो वाई एक्सिस के पैरेलल चलने लगता है तो एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग ऐसा बोलते हैं अक्सर तो ये क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियली ये एडवर्ब है क्रिया विशेषण एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियली एडवर्ब बन गया हिंदी में अर्थ क्या होगा एक्सपोनेंशियल का अत्यंत त्वरित गति से बढ़ता एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग इकोनॉमी, समझ में आ गया यह शब्द ऐसे यूज होता है मिलिटरी सुपीरियोरिटी यहां पे सुपीरियोरिटी पे ध्यान लगाए तो सुपीरियोरिटी नाउन होगी ना इट्स अ थिंग सुपीरियोरिटी प्रेसिडेंस एमिनेंस असेंडेंसी बहुत अच्छे शब्द हैं स्पेलिंग्स िसिडेंस जो किसी से पहले आए इसलिए सुपीरियर एमिनेंस बहुत प्रचलित तो और प्रसिद्ध इसलिए सुपीरियर असेंडेंसी तेजी से ऊपर उठते हुए होने की स्थिति श्रेष्ठता उच्चता वरिष्ठता ये भी सारे शब्द हो सकते हैं इसके लिए तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा नाउन है ना सुपीरियोरिटी आपको सारे हिंदी अर्थ भी बता दिए इसका एंटोनिम क्या होगा इन्फीरियोरिटी और ढूंढिए दस एंटोनिम और वाक्य बनाइएगा फिर इससे फिर आते हैं अनप्रेडिक्टेबिलिटी में क्या हुआ लिख नहीं पा रहे हो स्पीड बढ़ाओ भाई लिखने की ओके अनप्रेडिक्टेबिलिटी प्रेडिक्टेबल प्रेडिक्टेबिलिटी अनप्रेडिक्टेबल अनप्रेडिक्टेबिलिटी प्रेडिक्टेबल क्या है एडजेक्टिव है प्रेडिक्टेबिलिटी नाउन है अनप्रेडिक्टेबल नाउन है अनप्रेडिक्टेबल एडजेक्टिव uh, है अनप्रेडिक्टेबिलिटी नाउन हो गया तो जब आप एक शब्द देखें अनप्रेडिक्टेबिलिटी इससे और दूसरे शब्द निकालो अनप्रेडिक्टेबल प्रेडिक्टेबल प्रेडिक्टेबिलिटी सो अनप्रेडिक्टेबिलिटी इज अ नाउन संज्ञा यानी अनिश्चितता चेंजेबिलिटी इनस्टेबिलिटी सिचुएशन वेयर थिंक कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स कलर फॉर्म एक्सेट्रा दैट्स अनप्रेडिक्टेबिलिटी पॉप्युलिज्म बड़ा अच्छा शब्द है पॉप्युल मीन्स अ पॉलिटिशियन और एनी वन हुटैंड फॉर अ कॉमन कॉज विच में नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस अदरवाइज लोक लुभावन वाद नाउन हो जाएगा यह पॉपुलिस्ट एक्जेक्टिव हो जाएगा समझ में आ रहा है ना द पॉपुलिज्मीडर अर्ड हिमोलॉट

कई लोग आर्सेनल के अंधभक्त हैं अच्छी बात है स्पोर्ट्स में तो बहुत अच्छी बात होती है ये सारी एनर्जी आपकी पॉजिटिव दिशा में लगती है बट आर्सेनल टेक्निकली मीन्स ऑर्डेनेंस ध्यान रखिएगा स्पेलिंग ऑर्डिनेंस नहीं है वो तो अध्यादेश होता है जो सरकारें जारी करती हैं ऑर्डिनेस यानी आयुधशाला शस्तागार वेपनरी आर्मरी सो ऑर्डिनेंस वेपनरी आमरी जहां हथियार रखे जाएं आयुधशाला शस्त्रागार या जखीरा भी कह सकते हैं हथियारों का पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा संज्ञा है हिंदी अर्थ बता ही चुका हूं इंडिया हैज अग्नि वन अग्नि टू अग्नि थ्री अग्नि फोर एंड अग्नि फाइव इन इट्स आर्सनल ऑफ न्यूक्लियर केपेबल इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल्स और शॉर्ट डिस्टेंस मिसाइल्स एंड अग्नि सिक्स इज अराइविंग तो बाबर से तो निपट लेंगे रिलायबल अनवेवरिंग स्टेडफास्ट डिपेंडेबल रिलायबल बेहद भरोसेमंद विश्वसनीय अनवे अपने स्थान से नहीं हिलने वाला स्टेडफास्ट दृढ़ डिपेंडेबल भरोसेमंद पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा रिलायबल का एडजेक्टिव है ना इट इज डिफाइनिंग समथिंग ही इज अ वेरी रिलायबल प्रोफेशनल प्रोफेशनल नाउन हो गया रिलायबल एडजेक्टिव हो गया उस पे से वाक्य सही ढंग से बनेंगे तो रिलायंस नाउन है रिलायबल एडजेक्टिव हो गया रिलायबिलिटी भी नाउन हो गया आई होप यू आर एबल टू गेट द ड्रिफ्ट ऑफ द होल अप्रोच इस तरह पढ़ने से कठिन से कठिन शब्द न केवल सरल हो जाते हैं हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाते हैं ओके वी मूव ऑन इंस्युलर इंस्युलर का अर्थ है ये बिल्कुल एक नेगेटिव uh, शब्द है हालांकि आप इसको पॉजिटिवली मेडिकल सेंस में यूज कर सकते हो लेकिन जनरली नकारात्मक शब्द है पार्टीजन प्रिजिडिस्ट इनवर्ड लुकिंग रिजिड नैरो माइंडेड ये सारे शब्द तो नेगेटिवली ही यूज होंगे ना पॉजिटिवली कौन यूज करता है इनको हाँ ऑथर्स पोएट्स कर सकते हैं वही तो पोइटिक लिबर्टी होती है लाइसेंस होता है ये एक नाउन इंसुलर इंसुलर विल बी एन जल्दी बताइए क्या होगा नाउन होगा एडवर्ब होगा क्या होगा इंसुलर इंसुलर जब हम यूज करते हैं तो हमारा आशय रहता है पॉलिसी विच इज इंसुलर पॉलिसी नाउन है तो इंसुलर एडजेक्टिव हो जाएगा डोनाल्ड ट्रम्प साहब के लिए यूज हुआ है कि इंसुलर तो इंसुलर इज समर्ड लुकिंग यानी स्वयं के प्रति पक्षपाती ऐसा कह सकते हैं या छोटी सोच वाला एजेक्टिव हो जाएगा इंसुलर और सेंटेंस हमने अभी देख लिया सिंड्रोम कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स कमिंग टूगेदर टू मैनिफेस्ट इन अ वे बहुत सारे गुणधर्म जब एक साथ एक ही रूप में प्रस्फुटित होने लगे तो वो सिंड्रोम है नाउन हो जाएगा ये तो ठीक है एंटी आउटसाइडर सिंड्रोम जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जीनोफोबिया हमने थोड़ी देर पहले एक शब्द देखा था ना बहुत अच्छा जेनोफोबिया या शोविनिज्म या जिंगोइम उसको इससे कनेक्ट करो सिंड्रोम से जेनोफोबिया इज नथिंग बट अ सिंड्रोम वेयर यू टर्न एंटी आउटसाइडर सो यू कैन ऑल्सो कनेक्ट वर्ड्स लाइक दिस सिंड्रोम से और दो तीन अच्छे सेंटेंस हमें बता के कमेंट्स में अवश्य बताइएगा आपको मजा आ रहा है इस एक्सरसाइज में वो तो हमें अब कमेंट्स से ही पता चलेगा और यदि आपके कमेंट्स अच्छे रहे और आपके सुझाव आते रहे सेशंस और लेसन्स हम इसी तरह से बनाते चलेंगे आगे चलें एक बार ध्यान रखिएगा ये सब जो मेहनत आप और हम कर रहे हैं ये बहुत ठोस मेहनत है यह बिल्कुल हवा हवाई मेहनत नहीं है ये वो ठोस मेहनत है जिससे आप वाकई में स्किल्ड बनेंगे ऐसे तो ब्रॉड बातें करना बहुत सरल होता है और लोगों को उसमें मजा भी बहुत आता है बड़ा मोटिवेशन भी मिलता है जो लेसन खत्म होती मोटिवेशन भी गायब स्किल डेवलपमेंट कुछ हुआ नहीं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी मेहनत की जाए जो बहुत ही फोकस्ड हो और आपको बहुत मेहनत इसमें इस वक्त तो करना ऐसा लगेगा बट द लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स वुड मोर देन आउटशाइन एनी इनकन्वीनियंस ड्यू टू दी एफर्ट ध्यान रखिएगा बोधी भाषा वेबसाइट का सतत प्रयोग करते चले बोधि भाषा वेबसाइट पर आपको सारे अभी तक के सब एक साथ मिलेंगे और इसको हम लगातार एनरिच करते जा रहे हैं नए नए यहां पे आपको रिसोर्सेस मिलते जाएंगे ओके कमिंग बैक तो इंसुलर कार्ड समझ लिया हमने बहुत अच्छे अच्छे बड़े शब्द हमने अभी जीनोफोबिया में देखे थे और सिंड्रोम को भी समझ लिया एनिग्मा सेकंड वर्ल्ड वॉर में एनिग्मा मशीन थी कई लोगों ने बड़ी अच्छी मूवी है वो देखी होगी एनिग्मा यानी एक पहेली पजल क्वाण्ड्री कोनंड्रम कठिन शब्द है क्वाड्री कोनंड्रम क्वांड्री यानी आपको समझ नहीं आ रहा दाए जाऊं बाए जाऊं कोनंड्रम एक बहुत बड़ा डिलेमा एक बहुत बड़ा मनस्थिति आपकी बड़ी विचित्र हो जाती है तय नहीं कर पाते हैं कि क्या करना है एनिग्मा इज नाउन एनिग्मेटिक एडजेक्टिव हो जाएगा न तो एनिग्मा एक गूढ़ प्रश्न है रहस्य है और इससे सेंटेंस आप बनाएंगे दी एनिग्मा मशीन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मन्स ने बनाई थी ना एक मशीन कोड वर्ड के लिए एनिग्मा मशीन जिसको क्रैक करने में बहुत मेहनत लगी थी जर्मन्स ने जो सबमरीन्स यूज की थी उनका क्या नाम था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमें बताइएगा उसी में एनिग्मा मशीन थी एक्सेसरबेट आज हमने पढ़ लिया कि नहीं एक्सेसरबेट कहाँ पढ़ा था हमने एक्सासरबेट शुरुआत में ही पढ़ा था एक्सेसरबेट वर्सन में पढ़ा था ना स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ वर्सन में एक्सेसरबेट आया था वही एक्सेसरबेट आगे आ गया ऐसे कनेक्टिंग द डॉट्स होते जाते हैं वक्त के साथ धीरे धीरे सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है एकदम रातों रात नहीं होगा टू मेक वर्स अब ये तो पूरा डिस्कशन हो चुका है Hazard खतरा तो हेजारडस यानी खतरों से भरा संकटमय रिस्की प्रिकेरियस डेंजरस समझ गए हेजारडस दी हेजारडस क्लाइंब ऑन माउंट एवरेस्ट ठीक है पार्ट ऑफ स्पीच एजेक्टिव होगा क्योंकि हेजार नाउन हैडिक्टेबिलिटी ये शब्द भी पहले हमने देखा था प्रेडिक्टेबल प्रडिक्टेबिलिटी अनप्रडिक्टेबल अनप्रडिक्टेबिलिटी सारे शब्द क्लियर आगे चलते हैं ओहो हो इतने सारे फिर से आ गए नैदर नैदर इज द डिरेक्ट एंटनिम ऑफ जेनित सर्वोच्च बिंदु नैदर याने सबसे निम्न बिंदु लोएस्ट पॉइंट पिट्स डेप्थ पिट्स एक कलोकल शब्द है हर बार उसको सीरियसनेस में यूज मत कीजिएगा अदरवाइज उसका अर्थ थोड़ा सा लाइट हार्टेड है तो नैदिर इज नाउन क्योंकि वो सबसे नीचे वाला बिंदु है। करियर इज एट दैनित ऐसे यूज कर सकते हैं हिंदी में क्या बोलेंगे नैदिर को पतन अधोगति अधोगति को प्राप्त हो गया बेटा बुरे कर्म करोगे आत्मा अधोगति को प्राप्त होगी ध्यान रखना हाँ। और अगले जन्म में वो के टीचर बनोगे हम्म आगे चलते हैं ऑर्थोडॉक्स Orthodox, ऑर्थोडॉक्सी जब हम ऑर्थोडॉक्स शब्द को देखते हैं या ऑर्थोडॉक्सी को देखते हैं तो ऑर्थोडॉक्स या जो बहुत ही परंपरागत है बहुत ही कन्वेंशनल है और ऑर्थोडॉक्सी के लिए मैंने कुछ सिनोनिम दिए बहुत अच्छा शब्द ऑर्थोडॉक्सी नाउन हो जाता है डॉगमा टेनेट बिलीव ये ऑर्थोडॉक्सी के सिनोनिम है और ऑर्थोडॉक्स होगा कन्वेंशनल डॉगमेटिक तो ऑर्थोडॉक्स एक एडजेक्टिव है ऑर्थोडॉक्सी ओ एक्स वाई नाउन हो जाएगा आई होप दैट इज क्लियर बेहद कट्टर और रूढ़ीवादी ऑर्थोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्सी क्या होगा कट्टरता रूढ़ीवादी पेरेंट्स अप्रिटी ऑर्थोडॉक्स दे डू नॉट वॉन्ट हिम टू गेट मैरिड टू अ गर्ल ऑफ अ डिफरेंट कास्ट ओहो गड़बड़ हो गई सरकम वेंट वो दो भागों में बटा हुआ शब। सरकम्वेंट, सरकम्वेंट एक सिंगल शब्द सरकम वेंट सरकम वब्द है जो कि दो शब्दों से बना है सरकम वेंट यानी बाजू में से गुजर के निकल जाना सरकम वेंटिंग क्योंकि सरकम यानी एक सर्कल होता है तो सरकम वेंट एक वर्ब हो गया यह क्रिया है बच्च निकलना गेट अराउंड इवेड आउट मनूवर बहुत अच्छा शब्द आउट मनूवर यानी किसी दूसरे की चालों को मात देना आउट मनूवर ओवरकम फॉर एग्जाम्पल पर ट्रम्प प्रेसिडेंसी विल बी एबल टू आउट मनोवर द कोल्ड वॉर माइंड सेट ऑफ नेटो डिफिकल्ट सेंटेंस है पर उस कंटेक्स में आया है समझ में आ गया सरकमेंट तो इसका एंटोनिम क्या होगा टू कन्फ्रेंट सीधे भिड़ जाना समझ गए ना कैसे यूज करना है कंसेशंस कंसेशन यानी मॉडिफिकेश कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट्स ये एक नाउन है यानी कि ढील या रियायत कंसेशन कोअलिशन भारत में कोलिशन गवर्नमेंट बनी है ना गठबंधन सरकारें अलायंस ब्लॉक कॉकस कंसॉर्शम काकस एक नेगेटिव वर्ड होता है नॉर्मली बाकी के तीनों में कुछ ऐसा नहीं है तो कोलिशन हमेशा नाउन होता है और इससे एक सेंटेंस बना है इंडिया हैज हैड इट्स एरा ऑफ गवर्नमेंट्स कोलिशियन इज अ दजॉरिटी गवर्नमेंट रेजोनेंस रिवर रिवर्बरेटिंग साउंड यानी प्रतिध्वनित होती आवाज या री इनफोर्स साउंड रेजोनेंस तो ये नाउन है प्रतिध्वनि या गूंज हिज व्यूज फाउंड रेजोनेंस विथ अदर्स उनके विचारों को दूसरों में प्रतिध्वनि मिली ऐसे यूज कर रहे हैं होप क्लियर। अच्छे शब्द थे बहुत यहां पे नादेर ऑर्थोडॉक्स सरकमेंट कंसेशन कोलिशन रेजोनेंस। अब आप बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे और इससे अच्छे बढ़िया बढ़िया सेंटेंस बना के कमेंट्स में लिखते चले सब एक दूसरे से सीखेंगे मोडस विवेंडी दो गुट जो आपस में झगड़ रहे हैं उन्हें कुछ समय के लिए आपस में एक ऐसी शांति चाहिए जिससे वो कुछ समय के लिए जी सकें अ कॉम्प्रोमाइज फॉर स्टेइंग टुगेदर पीसफुली तो ये नाउन हो गया थोड़े समय के लिए शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने के लिए किया गया तात्कालिक अस्थाई समझौता समझ गए नाउन है ये फॉर एग्जाम्पल रीचिंग अ मोर दफ इंडी विद चाइना में भी डिफिकल्ट फॉर इंडिया उस कंटेक्स में ऑथर ने यहाँ पे यूज किया है आप बुद्धि न्यूज बुद्धि रीडिंग और बोधि अनुवाद में इसी आर्टिकल को हमने अलग से भी विश्लेषण किया है पूरे अच्छे से सारे देखिएगा जब तक पूरी ग्रिप ना आ जाए जीके भी बढ़ेगा करंट अवेयरनेस की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी वोकेबलरी बढ़ रही है हिंदी इंग्लिश बढ़ेगा एनालिटिकल स्किल्स बढ़ेंगी कितनी मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए देखिए नेगोशिएशन आर्बिट्रेशन इंटरसेशन मीडिएशन ये अच्छे शब्द हैं इसलिए लिया है वी नो नेगोशिएशन इज अ नाउ नेचुरली ऐसा लगा देंगे तो क्लुरल हो जाएगा आर्बिट्रेशन इंटरसेशन मीडिएशन कोई मध्यस्थता करता है स्थिति को संभालने के लिए आर्बिट्रेशन ठीक है इस तरह से नेगोशिएशन होगा फोर्स्ट अब देखिए फोर्स्ट के दो बिल्कुल अलग अलग अर्थ हो सकते हैं वर्ब या एडजेक्टिव के रूप में जब हम फोर्च की बात करते हैं एफ ओ आर जी ई फोर्ज वर्ब के रूप में फोर्च जो यहां यूज किया ऑथर ने दैट इज बिल्ट मेड प्रिपेयर्ड कंस्ट्रक्टेड बट फोस्ट एक नेगेटिव सेंस में जालसाजी से बनाए दस्तावेज फोस्ट करेंसी काउंटर फीट करेंसी सो इन एन एजेक्टिवल सेंस इट विल बिकम अ वेरी नेगेटिव मीनिंग फोस्ट समझ गए वी हैव टू फोर्ज एन अलायंस पॉजिटिव हो गया हमें गठबंधन बनाना है वी हैव टू फोर्ज द डॉक्यूमेंट दस्तावेजों की फर्जी नकल बनानी है तो ध्यान रखिएगा वही शब्द पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो जाता है क्योंकि बेसिकली ये मेटल वर्किंग की आर्ट है फोर्जिंग जिसमें धातु को पीट पीट कर एक आकार दिया जाता है दैट इज कॉल्ड फोर्जिंग जिन्होंने इंजीनियरिंग की है उनके चेहरे पर एक कटु मुस्कान अभी तैर रही होगी फोर्जिंग शॉप स्ट्रेटेजिक कांग्रुवेंस स्ट्रेटेजिक यानी सामरिक कांग्रुवेंस यानी अनुरूपता यानी दोनों के हितों को एक रूप में लाना स्ट्रेटेजिक कांग्रुवेंस तो स्ट्रेटेजिक पे ध्यान देते हैं स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल ये दो शब्द होते हैं जब कोई न्यूक्लियर मिसाइल दस हज़ार किलोमीटर दूर जा सकती है उसको हम स्ट्रेटेजिक कहते हैं और पाकिस्तान ने जैसे न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं जो 200, 250, 300 किलोमीटर तक या कुछ 30, 40 किलोमीटर तक वार करेंगे वो टैक्टिकल वेपन्स हैं बहुत खतरनाक हैं बिल्कुल नहीं होने चाहिए क्योंकि स्ट्रेटेजिक पे एक बहुत बड़ी बॉडी द इज अ स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड जो कंट्रोल करेगा टैक्टिकल एक कमांडर के हाथ में होगा उसका दिमाग फिसला और उसने बटन दबा दिया दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल कैलकुलेटेड प्लान क्लेवर पॉलिटिक स्ट्रेटेजिक के लिए है तो स्ट्रेटेजिक एजेक्टिव ही होगा ना सामरिक अच्छे सेंटेंसेस बनाइएगा मूट बहुत ही पावरफुल शब्द छोटा सा शब्द है लेकिन इसके तीन अलग अलग अर्थ होते हैं भैया सब्जेक्ट टू डिबेट यहां पे इट्स अ मूट क्वेश्चन ये पहला अर्थ है यहां पे एब्जेक्टिव ये विशेषण है यहां पे जैसा यूज हुआ है इट्स अ मूट क्वेश्चन है नहीं ये प्रश्न पे तो अभी विवाद होना चाहिए चर्चा होनी चाहिए मूट का एक दूसरा अर्थ है एज अ वर्ब टू रेस द प्रपोजल वॉज मूटेड यानी वो प्रस्ताव दिया गया वहां पे ये वर्ब हो गया क्रिया थर्ड मूट कोर्ट ये जितने लॉ के कॉलेजेस हैं वो सब मूट कोट वेयर इन द रियल वर्ल्ड जस्टिस इज ऑफ एन म्यूट बट हियर इट इज मूट मॉक जुडिशियल प्रोसीडिंग मूट ठीक है ये नाउन हो जाता है तो मूट

दो अर्थ हैं अलग अलग वापस। पहला एज एन एडवर्ब इन फैक्ट और दूसरा है एज एन एडजेक्टिव इफेक्टिव यानी इफेक्टिव। तो विल रशिया एक्नोलेज फैक्टो सुप्रीमसी इन एशिया मतलब किसी ने भी चीन के सिर पे कोई मुकुट नहीं रखा है लेकिन नहीं रखते हुए भी रख दिया है दैट इज फैक्टो सुप्रीमसी समझ रहे हैं इफेक्टिव तो एज एन एडवर्ब वो हो गया इनफैक्ट और एज एन एडजेक्टिव हो गया इफेक्टिव कभी कभी थोड़ा कठिन होता है हिंदी में क्या हो जाएगा वास्तविक या वस्तु स्थिति ओके ग्रैपल जब हम ग्रैपल की बात करते हैं एज अ वर्ब तो वो एक क्रिया है ग्रैपल क्लैश टसल रसल फाइट यूरोप इज ग्रैपलिंग विथ टेररिज्म यूरोप फिलहाल आतंकवाद से जूझ रहा है उलझ रहा है तो ये वर्ब है ग्रैपल एग्जिस्टेंशियल जब आप एग्जिस्टेंशियल देखते हो तो वो एग्जिस्टेंस से आता है एग्जिस्टेंस नाउन है एग्जिस्टेंशियल एडजेक्टिव है ये विशेषण है रिलेटेड टू एग्जिस्टेंस समझ के एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस यहां क्राइसिस नाउन है यानी अस्तित्ववादी संकट सर्ज बहुत अच्छा शब्द है सडन एस्केलेशन अचानक से बढ़ गया अपराध सर्ज इन क्राइम तो ये वर्ब होगा ना क्योंकि सर्ज क्राइम रेट है सर्च बढ़ा है उस तरह से बोलते हैं तीव्र गति से बढ़ना दैट इज अ अर्च आई होप दैट इज क्लियर ओके सेशन को वापस आप दो तीन बार देखिएगा बहुत अच्छे से इन ऑस्पिशियसली अब ऑस्पिशियस से आया ऑस्पिशियसली ऑस्पिशियस auspicious से आया इनऑस्पिशियसली तो इस तरह से एक से दूसरा दूसरे से तीसरा शब्द निकलता है ऑस्पिशियस एडजेक्टिव है विशेषण है इनऑस्पिशियस भी एडजेक्टिव होगा नॉट प्रोपिशियसली यानी अशुभ तरीके से इनऑस्पिशियसली यह कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा बताइए वर्ब है कि नाउन है और इससे सेंटेंस तो बनाई हुआ है सामने रेमिनिसेंट रेमेंट रेमिनिसेंट ऑफ माई चाइल्डहुड आज मैं उस मूवी हॉल में गया एंड द होल एक्सपीरियंस फॉर द रेमिनसेंट ऑफ माई चाइल्डहुड मेमोरीज यानी वहां जाके मुझे बचपन की यादें आ गई किस तरह बिना टिकट लिए बगल से घुस के अंदर जाता था ऐसे काम बहुत किए ना आपने स्मरणकारी रिमाइंडिंग वन ऑफ द पास्ट सो इट्स एन एडजेक्टिव रेमिनिट बहुत अच्छा शब्द है बहुत पावरफुल शब्द है जैसा मैंने कहा पावरफुल शब्द इंप्रेशन जमाने के बड़े काम आते हैं और यदि हद से ज्यादा यूज कर लिए तो भी एक इंप्रेशन जमेगा फर rather अनडिजायर्ड वराइटी फेटिलिटीज फेटल जो जान ले ले फेटल लीथल यानी बेहद खतरनाक फेटिलिटीज तो फेटिलिटी हो गया नाउन डेथ कैजुअलिटीज मॉर्टेलिटीज मॉर्टेलिटी यानी ये भौतिक शरीर है इसको तो समाप्त होना ही है मॉर्टल शरीर इसके लिए हिंदी में बड़ा अच्छा शब्द है कौन सा शब्द है सनातन का उल्टा होता है ना मॉर्टल पार्थिव समझ गए सो दैट्स फेटल क्रॉस हेयर्स जब बंदूक से कोई निशाना लगाता है तो उसको बंदूक में एक दूरबीन लगी होती है उसमें क्रॉस हेयर्स लगे होते हैं ना उस एमिंग डिवाइस को क्रॉस हेयर कहते हैं यानी निशाने पर आना तो ये नाउन हो गया क्रॉस हेयर्स <coughs> जब कोई चीज निशाने पर आती है तो हम क्रॉस हेयर्स बोलते हैं रिटेलिएट टू हिट बैक वर्ब हो गया ये एंटोनिम क्या होगा टू मेक फ्रेंड्स विद बिफ्रेंड समझ गए तो रिटेलिएट एज अ वर्ब मीन टू हिट तो एंटोनिम हो जाएगा बिफ्रेंड यानी दोस्ती कर लेना हिंदी में इसका क्या अर्थ होगा रिटेलिएट पलटवार करना सेंटेंस बनाइएगा अच्छा रिप्री और रिस्पाइट तो बहुत अच्छे शब्द आए हैं रिस्पाइट देखते हैं पहले रिस्पाइट रिफर्स टू अ अ अ ब्रेक और और ब्रीदिंग स्पेस स्मॉल रिसेस इतने लंबे वोकेबलरी सेशन में हर पांच पांच मिनट बाद वो पॉज करके रिस्पाइट लेने के लिए एक एक घंटा घूम के आया यदि ये आपकी स्थिति है तो अंग्रेजी तो सीख लिया आपने रिस्पाइट इज अ स्मॉल रिसेस इट्स अ नाउन यानी राहत या मोहलत ठीक है सेंटेंस बनाइएगा और रिप्रीव रिप्रीव वर्ब भी हो सकता है टू एमनेस्टी और एक्विट और स्पेयर एक्विट यानी किसी दोष से मुक्त कर देना यह वर्ब के रूप में यूज हो रहा है रिप्रीव पूरा शब्द आर ई पी आर आई ई ई आई ई और ई आई में अक्सर गड़बड़ होती है ध्यान रखना एंड रिप्रीव कैन बी अ नाउन ऑल्सो संज्ञा भी हो सकती है कैंसलेशन ऑफ पनिशमेंट ही रिसीव रिप्री और उसने गहरी सांस ली यानी दंड विराम समझ में आया अच्छे शब्द थे आज क्योंकि ये आर्टिकल ही थोड़ा कठिन था अंतिम दो शब्द आज के टर्बुलेंट आपने कितनी राहत की सांस ली ना ये सारी टर्बुलेंट समाप्त होने जा रही है टर्बुलेंट इज एन एग्जेक्टिव टर्बुलेंस इज अउ टर्बुलेंस या उथल पुथल भरा टर्बुलेंस या वो उथल पुथल वाली स्थिति या अशांतता और टर्ब्यूलेंट अशांति सो टर्ब्यूलेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर थिंग्स आर वेरी नॉट क्वायट स्टॉमी टू मूअ रफ केयटिकॉस नाउन है वहां से आता है केटिक समझ गए तो टर्ब्यूलेंट एडजेक्टिव होगा टर्बुलेंस एलियंसी ई नाउन होता है इससे अच्छे अच्छे सेंटेंस बना के हमें बताइए जरा आप जितना पार्टिसिपेट अच्छा करेंगे उतना हमारा उत्साहवर्धन होगा बेटा ये ध्यान रखना लेवरेज एल ई वी ई आर ए जी ई लीवर पे से आया ना लेवरेज हिंदी में बहुत अच्छा शब्द है इसके लिए उत्तोलन ग्रिप अटैचमेंट सपोर्ट ये हो गया नाउन फॉर्म एंड टू यूज फॉर एडवांटेज ये हो गया वर्फ फॉर्म फायदे के लिए इस्तेमाल करना जैसे कंपनी ने बहुत सारा कर्जा लिया लेवरेज हो गया अपने फायदे के लिए उसने एक्सपांशन के लिए किया और लेवरेज एज अ नाउन ग्रिप अटैचमेंट एक्सेक्टर नाउन दोनों हो सकते हैं देखिए कितने सारे शब्द आज हमने कवर किए हर शब्द के साथ तीन तीन चार चार पांच पांच दूसरे शब्द और जब अब आप, आप रिसर्च करेंगे तो आप और नए नए शब्दों से रूबरू हो जाएंगे इस तरह से धीरे धीरे बस पंद्रह बीस सालों में हम अंग्रेजी सीख लेंगे बाय अ जोक इट मे जस्ट टेक सो मेनी मंथ्स नॉट मोर देन दैट बॉडी बूस्टर नॉलेज पोर्टल की सभी सेवाओं का पूर्ण लाभ लेते रहें अधिक रिसोर्सेज के लिए बॉडी बूस्टर प्रीमियम में एनरोल कर सकते हैं स्पेशल सर्विसेज ये पूरी रेंज है सर्विसेज की भरपूर इस्तेमाल कीजिए बोधी भाषा इजी स्पॉन्टेनियस और प्रैक्टिकल इंग्लिश लर्निंग का आज का लेसन यहीं समाप्त होता है बहुत जल्द आपसे फिर भेंट होगी हमें जरूर बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा नमस्ते जय हिंद